जनजातीय क्षेत्र भरमौर में प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने के कारण यहां पर चलने वाले कई घाटों के अस्तित्व पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि भरमौर में कई ऐसे नाले हैं जिनमें लगातार पानी का जल स्तर कम हो रहा है और इसके कारण कई घराट जो हैं वो कई सालों से बंद पड़े हुए हैं। और ये जो समस्या है भरमौर में, ये कहीं एक दो गांव की नहीं बल्कि समूचे भरमौर क्षेत्र में ये समस्या पैदा हो गई है। कुछ वर्ष पहले जिन नालों में घराट चलते थे उन नालों में आज पानी का जल स्तर इतना कम है कि कल को लोगों को पीने के पानी के भी लाले पड़ जाएंगे। आपको आज बताऊंगा कि एक ग्वाला नाला है जहां किसी समय में करीब आधा दर्जन घराट चलते थे, लेकिन आज की तारीख में वहां पानी इतना कम है कि लोगों को अब पीने के पानी का भी मोहताज होना पड़ सकता है। तो लगातार यहां के प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने के कारण लोग चिंतित हैं और लोगों को अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन इन प्राकृतिक जल स्रोतों से पीने की पानी के भी लाले पड़ जाएं। तो बहरहाल आज बात ग्वाला नाला की, जहां कभी खूब पानी होता था और करीब आधा दर्जन घाट चलते थे, लेकिन आज नौबत यह है कि मात्र कुछ इंच पानी इस नाले में बच गया है और लोगों को संदेह है कि कहीं कल को ये पानी भी बिल्कुल ही ना सूख जाए। ट्रैवल टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट। ट्रैवल टुडे टीवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें।